हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दुबई को लेकर कुछ और अपडेट है। दुबई के बारे में अभी अपडेट ये है कि जिन भी लोगों का वीजा 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, जिनको इंडिया में आए हुए 180 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो उनके लिए अपडेट ये है कि उनका वीजा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है 9 दिसंबर तक। तो बहुत सारे लोगों के वीजा एक्सटेंड हो चुके हैं। जिन भी लोगों के वीजा एक्सटेंड नहीं हुए हैं वो लोग परेशान ना हो, उनका वीजा भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये यूएई की तरफ से फैसला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दुबई वीजा वालों के लिए जिनका रेजिडेंस वीजा दुबई का है। हालांकि जिनका वीजा अबूधाबी का है या शारजा का है उनके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करिए उनका वीजा भी जल्द से जल्द एक्सटेंड होगा। तो ये दुबई वालों के लिए, साथ ही जो लोग इंडिया से भी दुबई ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि आपके पास ZDRFA का अप्रूवल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इंडिया से जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो 48 घंटे के अंदर का आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए, जिस पर QR कोड भी होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि इंडिया से ट्रेवल करें जब आप, तो एयरपोर्ट पर आपका 4 घंटे के अंदर PCR टेस्ट भी होना चाहिए, रैपिड PCR टेस्ट होना चाहिए आपका। तो ये 3 शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो इंडिया से आप दुबई के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो कई सारे नियमों में ढील दी जा रही है, आपके लिए रास्ते को आसान बनाया जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो भी लोग विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं नए वीजा पर, उनके लिए 15 अगस्त के बाद शुरुआत हो सकती है। ऐसे खबरें आ रही है कि वो लोग 15 अगस्त के बाद ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल होंगे, उनको इजाजत दी जाएगी। तो इसके बारे में और अपडेट का इंतजार करिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब को लेकर। तो सऊदी अरब भी अब अपने यहाँ चीजों को धीरे धीरे नॉर्मल कर रहा है। पहले सऊदी अरब ने 49 देशों से टूरिस्ट वालों को आने की इजाजत दे दी, उसके बाद उमरा वालों को भी परमिशन दे दी। अब सऊदी अरब की GACA यानी गाका ने, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है सऊदी अरब के, उन्होंने अहम फैसला किया है कि 1 सितंबर से सऊदी अरब में जो भी फ्लाइटें ऑपरेट होती हैं, जो भी डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं सऊदी अरब में, उनमें फुल कैपेसिटी के साथ में बुकिंग की जा सकती है। फुल कैपेसिटी के साथ में वो फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। अभी तक ये हो रहा है कि फुल सीटें बुकिंग नहीं की जा रही है, एयरलाइंस में जितनी सीटें हैं उतनी बुकिंग नहीं की जा रही है, क्योंकि COVID-19 की वजह से, उसके प्रोटोकॉल की वजह से गैप रखा जा रहा है, गैपिंग रखी जा रही है, पूरी सीट की बुकिंग नहीं की जा रही है। लेकिन 1 सितंबर से GACA ने इसकी इजाजत दे दी है, इसकी परमिशन दे दी है कि सऊदी अरब में जो भी डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं उनको पूरी कैपेसिटी के साथ में, यानी जितनी सीटें हैं एक एयरलाइंस में उसकी पूरी बुकिंग की जा सकती है। तो ये बेहतर शुरुआत हो रही है 1 सितंबर से सऊदी अरब में, यानी जो COVID-19 की वजह से अभी तक एयरलाइंस कंपनियां 50% या उससे ज्यादा कुछ बुकिंग कर रही थी, लेकिन अब वो 100% बुक कर सकती हैं, पूरी कैपेसिटी के साथ में फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। इसके अलावा एक और अपडेट है दोस्तों सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब में जो भी प्रवासी लोग रहते हैं, यानी इंडिया से, पाकिस्तान से या और जगहों से जो भी लोग प्रवासी वहां पर रहते हैं, वो अब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं सऊदी अरब में अपने लिए। इसके लिए उन्हें अफसर प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, वहां से वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और सहूलियत दी गई है। तो सऊदी अरब में बड़ा बदलाव हो रहा है, ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है, लेकिन हम सबको अभी इंतजार उसी चीज का है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट की तारीखों का ऐलान कब होगा, फ्लाइट के बारे में सऊदी गवर्नमेंट कब बताएगी कि फ्लाइटें इंडिया से कब ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से हालात अभी नॉर्मल हो रहे हैं, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, चाहे टूरिस्ट वालों को इजाजत दी गई हो या इसके अलावा उमरा वालों को इजाजत दी गई हो, या इसके अलावा 1 सितंबर से जो गाका ने अनाउंस किया है कि 1 सितंबर से फुल कैपेसिटी के साथ में फ्लाइटें ऑपरेट होना शुरू होंगी, तो उसके बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सऊदी अरब जल्द से जल्द जो फ्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है, जो कुछ देशों को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, उनको इजाजत दी जाएगी। वहां जो भी लोग अभी आए हुए हैं छुट्टी पर, अभी जा नहीं पाए हैं, तो उनको, उनके लिए शायद फ्लाइटें जल्द से जल्द ऑपरेट की जा सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आगे अपडेट का इंतजार है, और कोई अपडेट आएगा तो वो आप तक शेयर की जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।